नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पाकिस्तान का बताया जाता है, जिसमें एक लड़की है दावा कर रही है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, जिसे ट्रंप उसकी माँ को माँ बनाने के बाद छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी माँ और ट्रंप के बीच की कुछ बातें शेयर भी की है। इस पाकिस्तानी लड़की का आरोप है कि वह मुसलमान है और सदैव अपने ईमान पर कायम रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने के नाते वह उनसे मिलने की इच्छुक है। उसका यह भी कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन से पाकिस्तान में आने वाले अंग्रेज उसे हैरत की नजर से देखते हैं और कहते हैं कि तुम अंग्रेज होकर पाकिस्तान में क्या कर रही हो। अमेरिका में 3 नवंबर से होने वाले चुनाव से पहले इस वायरल वीडियो ने पाकिस्तान में हवा गर्म कर दी है। मुल्ला जमात में हड़कंप मचा है और इमरान के तबेले की भैंसे रेक रही है, क्योंकि मामला ट्रंप के डीएनए के पाक में मौजूद होने से जुड़ा है। इससे पहले आगे इस पर बात करें, वह वीडियो देखना भी जरूरी है जिसमें पाकिस्तानी लड़की ट्रंप की बेटी होने का दावा कर रही है। तो एनालिसिस से पहले देखते हैं ट्रंप की बेटी का ये वीडियो। सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी व सिल्ली अमरी वहलुल उक़दत लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज़ वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मजहर अब्बास। अपने वापस वालिदा से, वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी। देखिए, हम इस दावे की बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं कि उक्त लड़की ट्रंप की बेटी है या नहीं है। यह तो तमाम साइंटिफिक रिसर्च और खुद डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई सामने आने के बाद ही पता चलेगा। मगर लगता यूं है कि यह पूरा मुल्क नाजायज संतानों से भरा पड़ा है। इस देश के पीएम इमरान खान की नाजायज बेटी अमेरिका में पाई गई है। यह मदरसा पैदाइश भारत छोड़कर अलग मुल्क लेकर भागे थे, तब भी इस मदरसा मुल्क पर नाजायज होने का ठप्पा लगा था। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की कई नाजायज संतानें पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है। यूपी इस देश में दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं बचा है। उक्त लड़की ट्रंप की इकलौती नाजायज संतान नहीं है। पाकिस्तान की 90% नस्ल अमरीका और चीनी मिश्रित है। इस मुल्क में यह एक प्रकार से कॉम्पिटिशन चल रहा है। कॉम्पिटिशन इसी मानकार्य को लेकर है कि या अंग्रेज रहेंगे या चीनी बाजी मार ले जाएंगे। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के अंग्रेजों ने यहाँ 2 दशक तक पहले खूब झंडे गाड़े हैं, जिसके बाद इन मुल्लाओं की जनरेशन में बड़ा बदलाव आया है। पर पाक की मुल्लागिरी के भीख मांगने के इनके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनकी शक्लें बदली पर रहे हैं नाजायज के नाजायज। चरित्र के मामले में तशरीफ को तैमंद या सलवार से ढककर चलने की प्रथा कभी खत्म नहीं हुई। हालांकि इस वक्त चीन पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि इस मदरसा पैदाइश की नस्ल में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। यहाँ हर साल 6000 पाकिस्तानी महिलाएं चीनियों की नाजायज संतानों को जन्म दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 4 प्रांतों में करीब 23000 चीनी मिश्रित आबादी अपना विस्तार कर चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर चीनी राष्ट्रपति का दौरा रद्द नहीं हुआ होता तो अगले साल सितंबर तक जिनपिंग के भी 2-4 लोंडे इधर कान में फूंक लगवा रहे होते। शायद डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के खुलासे से जिनपिंग ने अपनी प्लानिंग में फेरबदल कर दिया है और इस वक्त वे कोई उचित अवसर की तलाश कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि अगर उक्त पाकिस्तानी लड़की डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमान बेटी है तो इमरान खान अपने जीजा को इसकी खबर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। साले जीजा का रिश्ता तो वैसे भी काफी भावनात्मक होता है और इस वक्त कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को पुराने जीजा की सर्वाधिक जरूरत है, या फिर इमरान खान को शी जिनपिंग के किसी एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस मुद्दे पर कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चीनी और अमरीकियों में इस मामले पर तकरार बढ़ सकती है कि इमरान के असली जीजा कौन है। ट्रंप पक्ष की मजबूत गवाही सामने आ चुकी है, जबकि शी जिनपिंग अपना खाता खोलते खोलते पाकिस्तान आने से रह गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की भनक खुलासे से पहले चीन को लग गई होती तो जिनपिंग अपना खाता खोलकर अब तक जा चुके होते।
अब देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति भी नहीं बची है, क्योंकि साउथ चाइना सी की तरह ट्रंप यहां भी बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। यानी यह लड़की चीनियों के लिए ताइवान बन गई है, जिसने पाक में मौजूद चीनियों की 23,000 संतानों को बिना किसी युद्धाभ्यास के परास्त कर दिया है। अब जितनी खलबली पाकिस्तान में अपने अंग्रेज जीजा को लेकर मची है, उससे ज्यादा रकम जिनपिंग के चीन में है, क्योंकि मामला अब साडू साडू का हो गया है। एक घर जमाई बनकर पाकिस्तान में रह रहा है, जबकि दूसरा अपने वतन से ही बाण पर बाण फेंक रहा है। मजे की बात यह है कि इमरान किसी मजनू की तरह जीजा जीजा की चित्कार के लिए कमर पूरी तरह कस चुका है, मगर जीजा है कि उसे खबर ही नहीं है कि इस मुल्ला मुल्क में कितना बड़ा कांड हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे को पता ही नहीं है कि जिसके ट्रंप टावर अमेरिका की शान है, उन्हीं के नीचे मदरसा पैदाइश जन्म ले चुकी है। ना केवल जन्म ले चुकी है, बल्कि मुल्ला कौम तैमंद इकट्ठे करके रेड कार्पेट की तैयारी कर रही है, ताकि ट्रंप आए, जीजा से मिले और बेटी के हाथ पीले करके चले जाए। इस वक्त जितनी जरूरत एक बेटी को ट्रंप जैसे अंग्रेज बाप की है, उससे ज्यादा इमरान लोंडे को अपने जीजा की है। कम से कम इसी बहाने कंगाली में गधिया नर्तक कर रहे ट्रंप के रिश्तेदार को अपने जीजा का सहारा मिल जाएगा। यू बी जिनपिंग पूरी तरह से इसका कानूनी जीजा नहीं बना है। जब तक पाकिस्तान में जिनपिंग कोई बवंडर खड़ा नहीं करता है, डोनाल्ड ट्रंप से ही उसकी उम्मीद ज्यादा है। यू भी उनका कार्यकाल अब ज्यादा दिन का नहीं बचा है। अगर जो बिडेन राष्ट्रपति बन गए तो पाकिस्तान की तमाम रिश्तेदारियां खटाई में पड़ जाएगी। फिर इमरान खान अपने जीजा की वह आवभगत भी नहीं कर पाएंगे जो इस दौरान हो सकती है। ट्रंप को बड़ा फायदा यह मिलेगा कि अमेरिका में मौजूद इवांका के पाकिस्तानी मामाओं के 80,000 वोट एकमुश्त ट्रंप को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान का जीजा चुनाव हारा तो आग दुकान में ही नहीं तैमंद में भी लगेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। सबके करना चाहती हूं डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी उला दूं। ट्रंप भी जितनी इल्म, मैं मुसलमान हूं और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहां क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूं, मैं अमन पसंद हूं, मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज माय मदर, शी इज नॉट केयर माय पर्सनली, माय फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती लिवाना।